हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन एस हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का डीएससी 12 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन राइडिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके अंदर आज हम करेंगे अंधायुग, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। चलिए अपने ऑथर के बारे में थोड़ा सा इन्फो जान लें। तो जो हमारे ऑथर हैं, ये मेन फिगर रहे हैं हिंदी लिटरेचर की। ये नॉवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। इनके जो वर्क है वो थीम्स बता, जैसे कि एलिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या ह्यूमन रिलेशनशिप में चल रहे हैं। ये एम्प्लॉय करते हैं, मतलब डालते हैं मेटाफर्स और इमेजरी, जिससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सके इनके कैरेक्टर्स का। इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा, हिंदी लिटरेचर में। इसलिए इंस्पायर भी करते हैं राइटर्स को। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं अपना अंधायुग। तो पहला है स्टार्टिंग में प्रोलॉग। तो इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे प्रोलॉग के अंदर, इन्वोकेशन एंड प्रोक्लेमेशन। तो पहले पढ़ेंगे इन्वोकेशन क्या होता है। इन्वोकेशन का मतलब होता है, जैसे ही आपका प्ले स्टार्ट हुआ, इन्होंने कुछ संस्कृत के वर्ड्स लिख दिए। वो संस्कृत के वर्ड्स मतलब लाइन्स क्या बोलती हैं, कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए गॉड्स को कोई स्टोरी बताने से पहले। जैसे कि नारायणा, नारायणा सरस्वती देवी और व्यास। इन्होंने नारायणा को क्यों डाला, क्योंकि वो पावरफुल गॉड हैं। और नारायणा क्यों डाले, क्योंकि वो बहुत अच्छे सेज हैं। और देवी सरस्वती को क्यों डालेंगे, जैसा हमें पता है वो गॉडेस ऑफ नॉलेज हैं। और व्यास बहुत ऐसे सेज हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखे हैं। तो बेसिकली इन्वोकेशन होता है एक प्रेयर या ब्लेसिंग, कि आप कोई भी ट्रबल्स को दूर रखो जब हमारा प्ले चल रहा है। बेसिकली अंधायुग एक प्ले है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। तो अब प्रोक्लेमेशन क्या होता है। प्रोक्लेमेशन इन्होंने दिया है रखा है कि कुछ लाइंस इन्होंने ली हैं इसके अंदर, प्रोलॉग के अंदर, मतलब स्टार्टिंग के अंदर, जो एंशियंट टेक्स्ट जो विष्णु पुराण है उसमें से कोट करी है इन्होंने। ये लाइन्स बताती हैं कि कैसे जो वर्ल्ड है ये बुरी जगह बन गई है, और धीरे धीरे करके अच्छी चीज़ें डिसअपीयर होती रहेंगी और लोग खाली केयर करेंगे मनी के लिए। बट वो फील करते हैं कि अभी भी कुछ स्मॉल होप बचा है। जो कैरेक्टर है कृष्णा जी का, कृष्णा जी वो हैं जो काम रहते हैं और सेव कर सकते हैं हर एक को। तो प्ले क्या बताता है हमें, हम पढ़ने वाले हैं, कि टफ टाइम तो चल ही रहा है, बट हमारे ऊपर है कि हम इसमें अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। हमारे ऊपर, या तो हम बुराई में बुराई और होते रहेंगे या अच्छे होते रहेंगे। तो अपना मेन स्टार्ट करते हैं एक्ट 1, द कौरवा किंगडम। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोनों साइड को हम ब्लेम करते हैं, या फिर कौरवा हो पांडवा हो, दोनों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ब्रेक किया है रूल। बट हम कह सकते हैं कि कौरवा ने थोड़े ज़्यादा ब्रेक किए हैं। अब इधर स्टोरी स्टार्ट होती है, दो गार्ड्स हैं, बहुत टायर्ड हैं, बैठे हुए हैं कॉरिडोर के वहाँ पे, चल रहे हैं, बोल रहे हैं यार क्या बेकार किंगडम हो गया है। तो वो सोच रहे हैं यहाँ पे स्टॉर्म आएगा, बट स्टॉर्म नहीं आया। एक्चुअली वो साउंड है जो वल्चर घूम रहे हैं बैटल फील्ड के ऊपर, क्योंकि इतनी रेड बॉडीज होती हैं बैटल फील्ड में। और जो विदुरा हैं, विदुर, वो वेट कर रहे हैं संजय से न्यूज़ के बारे में, जो उन्हें हमेशा बैटल फील्ड के बारे में रोज इन्फो देता है। धृतराष्ट्र जो किंग है वो बहुत स्कैर्ड हैं, बट विदुर मुनि हमेशा बोलते हैं कि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ना कुछ बुरा तो होगा, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पहले बता दिया था। इवन जो कृष्णा जी थे उन्होंने अभी आपको बता दिया था। धृतराष्ट्र बोलते हैं मेरा प्यार, अंधा प्यार मेरे बच्चों के लिए है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। वो बोलता मैं ये भी नहीं सोच सकता मेरे बेटे दुशासन के साथ क्या होगा वॉर में। गांधारी जो क्वीन है वो बोलती हैं कि मैं बहुत एंग्री हूँ कृष्णा जी से, कि वो फॉलो नहीं कर रहे रूल्स बैटल फील्ड के। और वो सोचती हैं जो सब बोलते हैं ड्यूटी ऑनर, ये सब दिखावा, ये सब और कुछ नहीं है। तो उसी टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर आता है और बोलता है कि उसे लगता है कि दुर्योधन जीत जाएगा, बट वो श्योर नहीं है। वो रियलाइज करता है कि, बोलता है कि अगर लोग रियलाइज कर लें अपनी डेस्टिनी को और अपनी ईगो छोड़ दें तो वो जीत सकता है। गांधारी को लगता है कि ठीक है फिर तो मेरा बेटा जीत जाएगा, और उसको पैसे दे देती है उस ओल्ड मैन को। फिर सब चले जाते हैं और एक कोरस आता है सिटी में, बताता है कि कैसे वॉर चल रही है और
ब्लेम करता है धृतराष्ट्र को कि वो कितना ब्लाइंड है और उसे अभी भी लग रहा है कि उसे सन जीत सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्ट में क्या पढ़ा, फर्स्ट एक्ट में हमने शो इन्होंने ये नहीं किया कि गुड ओवर ईविल चल रहा है, बट फोकस क्या कर रहे हैं धर्म लास्ट स्टेज जो वॉर एंड होने वाली है और लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोग अपना इमोशन कैसे शो कर रहे हैं। जैसे गांधारी जो है वो कृष्णा जी बहुत मैड है और वो अपने सन्स की डूइंग्स नहीं देख रहे हैं, बेसिकली वो ब्लेम कर रहे हैं और लोगों को। तो एक्ट टू का नाम है द मेकिंग ऑफ बीस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो संजय हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे बताएं धृतराष्ट्र को कि उनके जो सन्स हैं कौरवाज हैं वो हार रहे हैं। तो वो एक सोल्जर है जिनका नाम है कृत वर्मा, उसको मिल रहे हैं और बताते हैं कि क्या चल रहा है बैटल फील्ड में, जहाँ पे वो उनको ऑलमोस्ट एक पांडवा वॉरियर मारने वाला था। फिर वो बताते हैं कि दुर्योधन बहुत सैड है क्योंकि वो हार रहा है। फिर सीन चेंज होता है, कृपाचार्य आ रहे हैं अश्वत्थामा को देखते हुए, खाली 3 कौरवा वॉरियर्स अभी तक रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, अश्वत्थामा बहुत हार्ट ब्रोकन है कि उसके फादर की डेथ हो गई क्योंकि युधिष्ठिर ने जो एक पांडवा है उनको ट्रिक किया उनके फादर को कि उनके सन की डेथ हो गई है, इसलिए उनको मार दिया। अश्वत्थामा ये सब युधिष्ठिर पे ब्लेम करता है, डिसाइड करता है चलो मैं रिवेंज लूंगा और वह संजय पे अटैक करते हैं, बट कृत वर्मा उन्हें स्टॉप कर देते हैं और कृपाचार्य भी। अश्वत्थामा को लगता है मैं क्या बनने वाला हूँ, फिर उन्हें पता चलता है बाद में कि दुर्योधन हाइड कर रहा है एक लेक के वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें एक वाइस मैन भी मिलता है। तो वो बोलता है कि फ्यूचर फिक्स नहीं है, अभी भी तुम सही कर सकते हो, हमारा एक्शंस पे बेस्ड है हमारा फ्यूचर। तो अश्वत्थामा उस वाइस मैन को मार देता है। कृत वर्मा और कृपाचार्य दोनों शौक हो जाते हैं। कृपाचार्य बोलते हैं कि दोनों ही साइड्स गलत हैं, जैसे कि पांडवास ने ट्रिक करके द्रोणाचार्य को मार डाला और कौरवास ने कैसे अनफेयरली अर्जुन के सन को मारा। अब कोरस लास्ट में डिस्क्राइब कर रहा है क्या डिस्ट्रक्शन होता है जब वॉर खत्म हो जाती है, कंपेरिजन करके दोनों साइड्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट शुरू होता है, एक्ट नंबर 3, द हाफ ट्रुथ ऑफ अश्वत्थामा। तो इसलिए में संजय बता रहा है हस्तिनापुर के लोग कितना अफेक्टेड हैं, धृतराष्ट्र बहुत बुरा फील कर रहे हैं, जो सोल्जर्स डिफीट हुए हैं। युधिष्ठिर आता है, वो एक सन है धृतराष्ट्र का, एक स्लेव गर्ल से वो घर आया है पांडवा से लड़के, वो सोचता है उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, बट विदुर उन्हें कंफर्ट करते हैं। विदुर ये भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या सही है गलत है। सडनली एक न्यूज़ आती है कि दुर्योधन जो कौरवा का लीडर था उसे भी मार दिया गया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कृपाचार्य, कृत वर्मा और अश्वत्थामा दोनों, ये तीनों जो भी हैं हाइड कर रहे हैं जंगल में। बलराम जी जो कृष्णा जी के ब्रदर हैं डांटते हैं कि कैसे भीम की एक्शन वॉर में गलत थे और ये बताते हैं कि ये लोग गलत हैं और बोलते हैं कि पांडवा ने भी गलत किया है, तो इनको भी फ्यूचर में बुरा ही मिलने वाला है। अश्वत्थामा बहुत बर्डन है कि यार मुझे रिवेंज लेना पड़ेगा अपने दोस्त दुर्योधन की डेथ का, तो सोचते हैं कि मैं उन्हें मार दूंगा जब वो सो रहे होंगे। तो फॉरेस्ट में अश्वत्थामा एक आउल को देखते हैं जो एक क्रो को मार रहा है, तो उसी से इंस्पिरेशन लेता है अटैक का। कृपाचार्य उन्हें स्टॉप भी करते हैं बट वहां से निकल जाता है, यहाँ पे सीन एंड हो जाता है। तो अब एक्ट 4 पे हम पहुंच गए हैं जिसका नाम है गांधारी स्कर्स। इस एक्ट में हम देखते हैं शंकरा एक डार्क जायंट है, अश्वत्थामा को पांडवा कैब के एंट्रेंस पे मना करता है कि मत जाओ, उसे ब्लेस भी करता है और बोलता है कि देखो दोनों साइड्स ही एथिकल जो मेन कोड है उन दोनों ने तोड़ा। फिर सीन शिफ्ट होता है जब संजय बताता है कि कैसे कुछ पांडवास के की फिगर्स मेन मेन लोगों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो गांधारी को कोई शॉक फील नहीं हो रहा। कृत वर्मा कृपाचार्य ढूंढते हैं कि दुर्योधन मर रहा है, फिर बाद में अश्वत्थामा सोचता है कि वो अनबॉर्न चाइल्ड को मारेगा जो कि अर्जुन की बेटी का बेटी का। तो जैसे अश्वत्थामा को देखते हैं कृष्णा जी और पांडवा, उससे उसके बीच से भागने लगते हैं और वो एक डेडली वेपन निकालता है और उस अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है। गांधारी और संजय देखते हैं दुर्योधन को डेड, बट फिर उन्हें पता चलता है कि चाइल्ड की डेथ हो गई और गांधारी को बहुत खुश होती हैं कि अश्वत्थामा ने चलो मेरे बेटे का रिवेंज ले तो लिया। धृतराष्ट्र को लगता है कि युधिष्ठिर जो है वो युधिष्ठिर को अब राजा बनाएगा। विदुर बोलता है कि कृष्णा जी ने कर्स दिया है कि अश्वत्थामा को बट चाइल्ड को बचा लिया। तो फिर उसे पता चलता है
कि अब वो हमेशा सफ़र करेगा, कि उसे कभी कोई मार नहीं सकता और कभी मर नहीं सकता अश्वत्थामा। गांधारी जो हैं वो कृष्णा जी को ब्लेम करती हैं सारे वॉर और जो भी कॉन्सिक्वेंस हैं, और उन्हें कर्स करती हैं कि वो भी सफ़र करेंगे बाद में। कृष्णा जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये शो करता है कि इवन गॉड्स को भी चीज़ें अर्थ पे आके फेस करनी पड़ती हैं। गांधारी बाद में रिग्रेट भी करती हैं, बट वही बहुत देर हो गई है। चलिए नेक्स्ट एक्ट की ओर बढ़ते हैं, एक्ट 5 विक्ट्री एंड सीरीज ऑफ सुसाइड्स। तो इस एक्ट के अंदर, इसका नाम है विक्ट्री एंड सुसाइड, इसके अंदर हर ब्रदर शो कर रहे हैं पांडवा के, हर एक में फ्लॉ है। भीम जिसने दुर्योधन को किल किया है वो हमेशा टॉन्ट करता रहता है धृतराष्ट्र को और गांधारी को। फिर वो चले जाते हैं वनवास लेने कुंती जी के साथ। भीम की इंसल्ट की वजह से युधिष्ठिर भी अटेम्प्ट करता है सुसाइड के लिए। वो शो करता था कि वो जीत नहीं पाया। युधिष्ठिर को भी अजीब सा फील हो रहा है इस विक्ट्री के बाद। विदुरा भीम की कंप्लेन करता है और कंसोल करता है, कोई बात नहीं बेटा, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर एक सूर्य को स्टैप करता है जो इस पे स्टोन्स फेंक रहा है। अब इसी टाइम पे सीन शिफ्ट होता है, जो फॉरेस्ट में गए थे ये तीनों एल्डर्स, वो वहाँ पे आग लग जाती है। वो लोग तो वहाँ पे चल जाते हैं बट संजय वहाँ से भाग जाते हैं। युधिष्ठिर को अजीब सा लग रहा है बट फिर भी वो सब बताते हैं कि क्या किसको क्या मिलेगा। अब अजीब से साइंस आने लगते हैं उनके आसपास, इंडिकेट कर रहे हैं कि कृष्ण जी जाने वाले हैं और यमराज की भी प्रेजेंस महसूस हो रही है उन साइंस की वजह से। और गार्ड्स को पता नहीं चल रहा, उनको होपलेस है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पेन फेस कर रहे हैं, ग्रीफ फेस कर रहे हैं। तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं जो इवेंट्स हैं महाभारत से डिपिक्ट करते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं वॉर के। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है एपिलॉग, डेथ ऑफ लॉर्ड। इसके अंदर कोरस प्रेज गा रहा है लॉर्ड कृष्ण की और हिंट कर रहा है कि वो थक गए हैं और बैठे हैं ट्री के नीचे। अश्वत्थामा बोलता है क्यों गा रहे हो तुम इतने गुणगान, और क्वेश्चन करता है कि वही क्यों खाली सफ़र कर रहा है जबकि कृष्ण जी ने खुद अपने एक रिलेटिव को मारा और वो अनहार्म्ड कैसे रह सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हंटर एम कर रहा है कृष्णा जी पे बट संजय फेल कर जाते हैं जब सुनाई देते हैं कुछ फ्लूक नोट्स जो मार्क करता है कृष्णा जी की डेथ। मतलब ये बता रहा है कि एक एंड हो गया एक एरा का और न्यू बिगनिंग है कली युग की। अश्वत्थामा ने जब देखा कि कृष्णा जी को ऐसे, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब ज़रा बोलता है कि मैं वही बैगर हूँ अश्वत्थामा जो तुमने मुझे मारा था। कृष्णा जी ने मुझे इधर बुलाया और बोला कि तुम मुझे मारो क्योंकि गांधारी जी ने मुझे कर्ज दिए, तो मुझे मारो। अश्वत्थामा रियलाइज करते हैं मैं इतना बुरा आदमी हूँ कि मैं किसी के उस पे खुश हो रहा हूँ, और वो बोलता मैं इतना अंधा हो गया रिवेंज में। मेडिकेंट बोलता है कि मैं कुछ तुम्हें वर्ड्स चाहता हूँ जो थोड़े होप के हैं, कृष्णा जी के लास्ट होप के हैं। बताते हैं कि अब जो फेथ आएगा उसमें लोगों को विश्वास करने में डिफिकल्टी होगी बट लोग बिल्ड करेंगे ट्रस्ट, डाउट भी होगा। पर बोलता है मेडिकेंट या पुअर या बेगर, वो बोलता है कि लोगों को अपना फेथ रखना चाहिए। इधर से हमारा चैप्टर ख़त्म हो ही गया, पूरा अंधा युग हमारा प्ले। बट मेन क्या बचा है, थीम्स, यूटिलिटी ऑफ वॉर, मतलब वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं दोनों साइड्स पे। डिस्ट्रक्शन, पावर ऑफ ब्लाइंड हेट्रेड एंड रिवेंज। रिवेंज की वजह से एक वॉर हो सकती है, ये हम पूरे प्ले में देख सकते हैं। लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी, जब वॉर होती है लोग अपना ह्यूमैनिटी और मोरालिटी दोनों लूज कर जाते हैं, वो कम्प्लीटली न्यू बन जाते हैं कि उन्हें इन चीज़ों की सेंस ही नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं क्या है। और यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई होप आप लोगों का बहुत बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया हो। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।